पंजाब विदाउट भांगड़ा नो अति मान्यवर बिशप स्वामी निरंजन स्वल सिंह संबलपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष परम आदरणीय सिस्टर संध्या जनरल काउंसिलर और सुपीरियर जनरल के प्रतिनिधि पूर्वी प्रांत की प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर जेसी मरिया उत्तरी धर्म प्रांत की प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर इरास्मा उनकी सहायिकाएं बरगढ़पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर मामलन सभी सिस्टर्स फादर्स एवं अतिथिगण धर्म बहनों के माता पिता और उनके रिश्तेदारों को हमारे अतिथियों का स्वागत दिल से करती हूँ। दिल के उद्गार एवं स्नेह भरा स्वागत वृद्धि के रूप में प्रस्तुत करने हमारे बेथनी कैंडिडेट्स मंच पर आ रही हैं।
इस समारोह में जिन्होंने आज का मिस्सा बलिदान को अर्पित किए और अपने वचन के द्वारा हमें प्रेरित किए हैं। स्वामी जी, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। इस सुअवसर पर मैं सिस्टर संध्या, द जनरल काउंसिलर, सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि को अनुरोध करती हूँ कि वे स्वामी जी को शॉल अर्पित करें। आनंद भरे हृदय हम स्वागत करते हैं हमारी सिस्टर संध्या, जनरल काउंसिलर एवं सुपीरियर जनरल के प्रतिनिधि। मुझे यह बताने में ये खुशी है कि सिस्टर संध्या बेतनी संस्था के एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है। अभी मैं सिस्टर जैसी मरिया को आमंत्रित करती हूँ कि वे सिस्टर संध्या को शॉल अर्पित कर स्वागत करें। हमारे बीच में आए हुए हैं। प्रांत की उन्नति के लिए आपका योगदान महत्वपूर्ण है। उल्लास भरे दिल से सिस्टर अनिता मोरस को अनुरोध करती हूँ कि वे सिस्टर इराज़मा को शॉल अर्पित कर स्वागत करें। स्वागत करें। सिस्टर मार्गरेटा जो हमारे बीच में है, आप सबों को सहृदय स्वागत करती हूँ। बड़े दूर से आए फादरगण, सिस्टरगण, हित चिंतक हम सभी के बीच में
खुशी के फूलों की सुगंध तथा हमारे खुशी में सहभागी होने के लिए आए हैं। सभी को इस शोभित कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सुसंध्या और व्रतधारी बहनों को अनुरोध करती हूँ कि वे केक काट कर अपनी खुशी को प्रकट करें, साथ ही साथ गायक पंडित बधाई के गीत गाएंगे। अभी मैं सिस्टर संध्या से अनुरोध करती हूँ
कि वे सिस्टर मोनिका को माला पहनाकर बधाई दे और सिस्टर मोनिका से अनुरोध है कि वे अपने भैया और दीदी को हार माला देकर अपना प्यार दें। मैं सिस्टर आशा के माँ और पिता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सिस्टर आशा के पिता का नाम मिस्टर जॉर्ज टोको और माता मिसेस ओलिवा टोको है। इनके तीन बहनें हैं और सिस्टर आशा उनमें से तीसरे नंबर की है। सिस्टर समर्पण डायसिस के सेंट अर्नोल्ड कैथलिक चर्च झारसुगड़ा से हैं। सिस्टर आशा पूर्वी प्रांत में अपनी सेवा स्वेच्छा से निभा रही है। इनका जीवन का उद्देश्य है पवित्रता के साथ आगे बढ़ना और सबों को प्रभु का प्यार बांटना। सिस्टर का मिशन है पास्टरल तथा एजुकेशन अपोस्टोलेट और रुचि विभिन्न क्षेत्रों में है। किताबें पढ़ना, गुलदस्ता सजाना, नृत्य करना, चित्रकला और कठिन परिश्रम करना। मैं सिस्टर संध्या से आग्रह करती हूँ कि वे सिस्टर आशा को माला पहनाते हुए उनको बधाई दें और सिस्टर आशा अपने माता और पिता को हार माला देकर अपना प्यार प्रकट करेंगे। आरती लकड़ा के पिता स्वर्गीय कॉर्नेलियस लकड़ा और माता मिसेस अश्विता लकड़ा है। सिस्टर के तीन भाई हैं जिनमें से सिस्टर सबकी प्यारी बड़ी बहन है। सिस्टर आरती संबलपुर डायसिस के सेंट माइकल चर्च अम्लिकमन से है। वे हमारे समाज के पूर्वी प्रांत में कार्यरत हैं। उनका उद्देश्य है यीशु के प्यार को सभी लोगों में एक समान बांटना तथा उनका मिशन है पास्टर और एजुकेशन अपोस्टोलेट। सिस्टर की रुचि है जैसे कि किताबें पढ़ना, संगीत नृत्य करना, हस्तकला और कठिन परिश्रम करना। सिस्टर संध्या से निवेदन है कि वे सिस्टर आरती को माला पहनाते हुए उनको बधाई दें। साथ ही सिस्टर आरती अपने माँ और भाई को माला देकर अपना प्यार जताएंगे। सिस्टर अमृता टेटे के पिता मिस्टर निकोडेमस टेटे और माता स्वर्गीय सरोजिनी टेटे हैं। वे दो भाई बहन हैं जिसमें से सिस्टर अमृता सबसे बड़ी है। सिस्टर राउरकेला डायसिस के सेंट मैरीज कैथलिक चर्च कहुपानी पैरिश की रहने वाली हैं। वह उत्तरी प्रांत में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं। सिस्टर का उद्देश्य है दूसरों के प्रति प्रेम व सेवा सहयोग की भावना और उनका मिशन पास्टर तथा एजुकेशन अपोस्टोलेट है। सिस्टर की रुचि विभिन्न क्षेत्रों में है संगीत सुनना और बजाना, प्रार्थना करना, संतों के जीवन के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना इत्यादि। अभी सिस्टर संध्या से अनुरोध है कि वे सिस्टर अमृता को माला पहनाकर बधाई दें और सिस्टर अमृता अपने पिता और आंटी को हार माला देकर अपना प्यार प्रकट करें।
एका के पिता का नाम मिस्टर सिल्प्रियस एका और माता मिसेस जेम्मा एका है। सिस्टर के एक भाई और दो बहनें हैं। सिस्टर अमृता उनमें से तीसरी नंबर की है। सिस्टर अनिता एका सिस्टर की सबसे छोटी बहन केनोसा समाज में है। सिस्टर अमृता राउरकेला डायसिस के सेंट फ्रांसिस असिसी चर्च हरसमरा से जुड़ी हुई है। वह उत्तरी प्रांत में काम करती है। सिस्टर का उद्देश्य यीशु मसीह के प्रतीक बनना और उनका मिशन है सामाजिक और पास्टर अपोस्टोलेट। सिस्टर का रुचि है किताबें पढ़ना, अकेले व एकांत में समय बिताना, सिलाई करना, कठिन परिश्रम करना, बुजुर्ग और बीमार लोगों की सहायता करना तथा हस्तकला कार्य करना। मैं सिस्टर संध्या से निवेदन करती हूँ कि सिस्टर अमृता को माला पहनाते हुए उनको बधाई दे। साथ ही सिस्टर अमृता अपने माता और पिता को माला पहनाकर उनको अपना प्यार दे। मुझे यकीन है कि यूं ही हमारे संध्या जनरल काउंसलर एंड सुपीरियर जनरल की हर्ष से गदगद हो रही है। इसलिए मैं अभी वफादारी के साथ संध्या को आग्रह करती हूँ कि वे अपने अशुभ वचन के दोष पर प्रकट करें। अति मान्यवर श्रद्धे बिशप निरंजन स्वाल सिंह संबलपुर प्रांत के धर्माध्यक्ष, सिस्टर जेसी मरिया उत्तरी पूर्वी प्रांत के प्रोविंशियल सुपीरियर, सिस्टर इराजमा उत्तरी प्रांत के प्रोविंशियल सुपीरियर, सब जन प्रोविंशियल काउंसिलर्स, सभी फादरगण सिस्टरगण और यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं भाई बहनों और विशेषकर अंतिम व्रतधारी यीशु की दुर में यहाँ उपस्थित उनके माता पिता रिश्तेदारों बेथनी समाज के धर्म बहनों यहाँ आमंत्रित विशिष्ट जन एवं सभी अतिथिगण आप सभी को पुनर्जीवित प्रभु यीशु की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियों से भरा यह दिन हमारे लिए विशेषकर सिस्टर मोनिका बेक सिस्टर आशा टोपो सिस्टर आरती लकरा सिस्टर अमृता चिते और सिस्टर अमृता एका के लिए अविस्मरणीय है। खुशियों से भरे इस दिन में हमारी धर्म बहनों की खुशी को और बढ़ाने के लिए आप सभी दूर दराज से आए हैं। आज सचमुच हमारा दिल ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गए हैं। स्वर्ग आनंदित है और पृथ्वी प्रभु का गुणगान कर रही है। आज के दिन में हमारी पांच धर्म बहनें ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हुए पूरे कलीसिया के उपस्थिति में ब्रह्मचार्य निर्धनता एवं आज्ञाकारिता का प्रतिज्ञा लेकर ईश्वरीय प्रेम में दृढ़ बने रहने और अंत तक कलीसिया की सेवा में कार्यरत रहने का दृढ़ संकल्प किया है। सचमुच ये क्षण अद्भुत है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रभु हमारे धर्म बहनों को अपनी भरपूर आशीष से भर दे, साथ ही साथ इन धर्म बहनों के परिवार के सभी सदस्यों को दुगनी आशीषों से भरें। इनके कठोर साधना एवं त्यागपूर्ण जीवन ने आज इन धर्म बहनों को
बेथनी संस्था में रहकर प्रभु की सेवा हेतु अर्पित कर दिया। यह फल बेथनी समाज के सदस्यों के लिए खुशियों का है। निश्चित रूप से इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं। बाइबल का वचन नबी यरमिया अध्याय 1 में लिखा है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। हमारे इन धर्म बहनों ने प्रभु के इस रहस्यमय वचन को समझने के लिए कोशिश जारी रखते हुए वादा बनाए जो महान उपहार है। बपतिस्मा के समय आपके ऊपर प्रभु का मोहर लगाई गई है गई थी, लेकिन आज निश्चय हो गया कि आप लोग पूरी तरह से ईश्वर के ही हैं। ये सचमुच ईश्वर का अनुपम वरदान है। आज ये धर्म बहने ईश्वरीय अटूट बंधन में बांध चुकी है। इस रिश्ते को बनाए रखने का एक ही माध्यम है प्रार्थना। यही प्रार्थना को आपको जीवन की हर चुनौतियों को सामना करने में मदद करेगी। जीवन के हर मुसीबत में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, बेथनी संस्था जीवन के अंत तक सहायता देती रहेगी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप वफादार रहें और विश्वास करें। जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे प्रभु यीशु हल नहीं करेंगे। प्रिय अभिभावक गण, बेथनी समाज आप सभी के महानतम उदारता के लिए, जो आज 5 बेटियों के रूप में यहाँ उपस्थित किए हैं, आपके प्रति हम कृतज्ञ है और आपसे प्रार्थना है कि इन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। जीवन की हर कठिनाइयों में आपका और हमारा साथ हमेशा रहे। इन्हें कभी वापस न बुलाए, वरन इनके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस का अर्थ है विकट परिस्थितियां, कठिन समय। इस समय में यीशु कभी निराश नहीं होने देगा। क्या आपके पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां नहीं है? शायद हमारी समस्याओं से भी बड़ा होगा। क्या आप हार मानकर भाग जाते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। हम बाइबल में अनेक धर्मी जनों संतों के बारे में सुनते हैं, कोई भी संकट मुक्त नहीं थे। कष्ट और पीड़ा यीशु के प्यार का साबित करने का क्षण है। प्यारी बहने, साहसी बनिए और खुशी रहिए। मैं आप सभी का अधिक वक्त ना लेते हुए और एक बार पूरे बेथनी समाज की ओर से बधाई देती हूँ और आपके परिवार पर ईश्वर की भरपूर आशा एवं कृपा की कामना करती हूँ। Once again, I'm very grateful, Sister Jessie Maria, the Provincial Superior of Eastern Province, and Sister Erasma of North Province, and their counselors, and all the sisters here for arranging this beautiful day.
They have accompanied them all through their formation, supported them, and on this day they have done their best to make this day a memorable one. Thank you very much. सभी को पुनः धन्यवाद, बधाई और जय श्री सिस्टर संध्या, आपके आशीर्वचन के लिए हम सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह दिन हमारी धर्म बहनों के लिए जीवन भर इतिहास बनकर रह जाएगा। यह पावन दिवस सिस्टरों के स्मृति रेखा में सदा के लिए जीवित रहेगा। दिल के उद्गार को प्रकट करने के लिए मैं सिस्टर आशा को और सिस्टर अमृता एका को आमंत्रित करती हूँ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्यवाद करे, मेरा तन मन उसकी स्तुति करे। आज धन्यवाद के साथ पिता ईश्वर की स्तुति गाते हैं, जिसने हमें चुना और अपना बनाया है। आज की इस खुशी के दिन हम अंतिम मनन देने आए हुए सभी सिस्टरों के प्रति मन आनंदित हो रहा है। प्रभु ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। उसने हमें कलीसिया की सेवा के लिए चुना है और बेथनी धर्म समाज के द्वारा एक नई पहचान दिया है। हमारे सुपीरियर जनरल रेवरेंड सिस्टर रोसलिन, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, हम उनके प्रति धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमारे पूरे प्राथमिक गठन की अवधि में हमारा हौसला बढ़ाया है और अंतिम मन्नत लेने के लिए हमें अनुमति दी है। हम सुपीरियर जनरल के सभी सलाहकारों को भी याद करते हैं, जो अपने प्रार्थनाओं द्वारा हमें प्रभु की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज हम विशेषकर सिस्टर संध्या जनरल काउंसिलर और सुपीरियर जनरल की प्रतिनिधि आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप यहाँ आए और बेहतरीन धर्म समाज के नाम से हमें कलीसिया में स्वीकार किया। सब हृदय धन्यवाद सिस्टर। आज हम कृतज्ञ हृदय से पूर्वी प्रांत के प्रांतीय सुपीरियर सिस्टर जस्सी मरिया और उत्तरी प्रांत के प्रांतीय सुपीरियर सिस्टर हिरासमा को धन्यवाद प्रकट करते हैं। आप लोगों ने आज के इस समारोह को सफल और यादगार बनाने के लिए कड़ी मेहनत किए हैं। हम आपके निस्वार्थ सेवा और त्यागमय जीवन की प्रशंसा करते हैं। आदरणीय सिस्टर्स, आप हमारे पूरे शिक्षा दीक्षा की अवधि में हमारे देख रेख किए हैं। हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा किए हैं। विशेषकर कृष्णशील की अवधि में प्रभु की गुलाहट को निकटता से जानने के लिए हौसला बढ़ाए हैं। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। मान्यवर महामहिम, यहाँ उपस्थित सिस्टर जस्सी मरिया और सिस्टर हिरासमा के सलाहकारों को भी हम याद करते हैं। सिस्टर्स, आप सबों को हमारे दिल की गहराई से धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे दिन को यादगार बनाने के लिए हाथ में हाथ मिलाकर दिन रात एक कर धूप और गर्मी को सहकर अपना बहुमूल्य समय अर्पित किए हैं। प्यारे सिस्टर्स, आपके प्रेम में और त्याग में जीवन के लिए हम आभारी हैं। मान्यवर महामहिम, समर्पण धर्म प्रांत के आदरणीय बिशप निरंजन के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को ग्रहण कर आज के पवित्र मिसा बलिदान के मुख्य याचक बनकर हम पर प्रभु की आशीष बरसाए। हमें पवित्र कलीसिया के द्वारा प्रभु की सेवा में जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनके उपस्थिति, आशीर्वाद, बहुमूल्य समय, प्रार्थना एवं उद्देश्य के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ईश्वर उनके हरेक कामों को सफल बनाए। यहाँ उपस्थित सभी याजकगण को भी पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं।
जो दूर दराज से आकर हमारे लिए प्रभु ईश्वर से दुआएं किए हैं। विशेषकर हम पल्ली पुरोहित और हमारे रिश्तेदार याजकगण को भी धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमें नई उत्साह जगाई है। आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। बेथनी एक पवित्र परिवार है जहाँ हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आया करते थे अपने प्रेम सुख और दुख को बांटकर शांति का माहौल बनाए रखते थे। आज हम बेथनी धर्म समाज के सभी सिस्टरों के प्रति धन्यवादी हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचने की सहायता दी है। विशेषकर हम उन कम्युनिटीज़ को धन्यवाद देते हैं जहाँ हम रह चुके हैं। विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे बेथनी कॉन्वेंट बर्गर के सुपीरियर सिस्टर प्रिस्का बारला और सभी सिस्टरों को जो पिछले कई दिनों से बहुत मेहनत किए हैं और ये दिन को महत्वपूर्ण बनाए हैं। साथ ही हमारे माता पिता और रिश्तेदारों के रहन सहन का बंदोबस्त किए हैं। धन्यवाद। प्रिय माता पिता भाई बहने एवं सभी रिश्तेदार आप सबों को पूरे दिल से धन्यवाद। आज हम आप लोगों के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंच सके हैं जो हमें छोटे से अब तक पले बढ़ाए, शिक्षा प्रदान किया, संस्कार दिए, विश्वास में बढ़ाया और प्रभु की सेवा में जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है और आज यहाँ आकर प्रभु की वेदी में हमें समर्पित किया है। आपके इस प्यार, त्याग और तपस्या के लिए सहृदय धन्यवाद। हम गायक मंडली को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने मधुर सुर से ईश्वर की महिमा किए और हमें भक्तिपूर्वक मिसा में भाग लेने के लिए मदद की। आप सबों को धन्यवाद। हम उनको धन्यवाद देते हैं जो साउंड सिस्टम और अन्य तकनीकी का ध्यानपूर्वक प्रबंध करके आज का दिन में जोश और उल्लास बढ़ाए हैं। आपको हमारी ओर से धन्यवाद। हम फोटोग्राफर्स सिस्टर मंजुला टोपो और मंजुला दीपा और वीडियोग्राफर सिस्टर सविता को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने यंत्र द्वारा आज का शुभ दिन का इतिहास रचे हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद। हम कैटरर्स को धन्यवाद देते हैं जो आज के समारोह में स्वादिष्ट भोजन तैयार किए हैं। आपके निस्वार्थ काम के लिए आपको धन्यवाद। आज का समारोह का संचालक सिस्टर रीमा और सिस्टर प्रेमी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज का समारोह का अगुवाई बड़ी नाजुकता से किया है। आपकी कड़ी मेहनत, त्याग एवं बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद। ईश्वर आप सबों को अपने कृपा से भर दे। धन्यवाद आप सबों। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए दोनों बहनों को दिल से धन्यवाद। अभी मैं सिस्टर संध्या और व्रतधारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।
के सुंदर दिन के लिए सबसे पहले माय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज कि जो भी कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे तरह से संपन्न हुआ और आज विशेष दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है और विशेषकर हम रांची वासियों के लिए सिस्टर बेटी मोनिका की ओर से एक डबल खुशी है उनको भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। इससे डबल खुशी कारण है कि हमारे गांव से हमारे बेटे और रांची धाम प्रांत के प्रोविंशियल खादर अजीत कुमार खस को कल झारखंड रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए सबको एक बार जोरदार ताली बजा देंगे क्योंकि हमारे कैथोलिक समुदाय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समाज से हमारे आदिवासियों के बीच से इस तरह का सम्मान पाना हम सबों के लिए सचमुच ही खुशी की बात है। तो चलिए ये डबल खुशी के सुंदर दिन में हम सभी मिलकर ये पांचों बेटियों के लिए तथा सभी आए हुए लोगों के लिए एक छोटा सा गाना प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप लोग Thank you.
खासकर हमारे परिवार के लिए हर हर खुशी का दिन है, क्योंकि आज का दिन में हमारे परिवार में से हमारे परिवार की बेटी राखी मानत संपन्न हुई। तो हम सब आज बहुत खुश हैं और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे पिताजी कन्वेंट के बहुत योगदान है, जिनकी अथक प्रयास और कठिन परिश्रम से हमारे जो बेटियाँ आज आखिरी मानक प्राप्त किए वे सफल हो पाए। इसीलिए मैं पिताजी कम्युनिकेशन को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और उनको भी बधाई देता हूँ। ये तो हम सब पे जानते हैं कि गुलाहट का जीवन हमेशा चुनौतीपूर्ण और कठिनाई से भरा हुआ है, तो आज तक तो ये Thank you.
Without